तो साइकिल अपना मस्त बन चुका है, ये देख सकते हो पीछे वाला टायर। इतना अनुपम सर पूरे स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं साइकिल के ऊपर। हाँ, स्मूथ साइकिल भी चलेगा और प्लस लॉन्ग टाइम तक। अगर आप लोग लॉन्ग टूर पे निकलो ना तो यही लगा के निकलो जरूर। और किसी ने जो है 500 रुपीज देके हेल्प किया। जो लोग बाहर रह रहे हैं उन्हीं को पता है घर का खाने का कीमत क्या, मजे कीमत क्या। बिल्कुल बिल्कुल, आके पहुंचा हूँ लोनावाला का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस पे जो कि राजमाची व्यू पॉइंट है, देख सकते हो। तो जय हिंद जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सब कैसे हो, आई होप कि सब एकदम बढ़िया मस्त एंड खुश हो। तो आज है मेरा डे 121 और कल रुकने के लिए जगह मिला था, कुछ इस टाइप का रूम था देख सकते हो। तो इधर ही अपना मस्त स्लीपिंग बैग खोला, मैट बिछाया, आराम से सो गया था और थोड़ा बहुत कपड़ा वगैरह था ये सब भी रात में धो दिया था। और साइकिल जो पंचर हुआ था वो भी बनाया मैंने कल रात में बना लिया पंचर वगैरह देख सकते हो। और आज जो है ना साइकिल का एक बहुत बड़ा काम कराना है, वो आप लोगों को बाद में ही दिखाऊंगा। जो सर ने पुणे में एक चीज़ गिफ्ट किया था वो चीज़ साइकिल में इंस्टॉल कराना है, बहुत बड़ा चीज़ है, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग भी ये चीज़ हमेशा इंस्टॉल करा के ही लॉन्ग टूर पर निकलना, दिखाऊंगा बाद में। तो सबसे पहले ये सब पैकिंग शेकिंग करता हूँ मस्त। पैकिंग शेकिंग कर ही रहा था, सर ने यहाँ पर चाय ला के दे दिया चाय, और ये पेटिस की तरह है कुछ बिस्किट जैसा, क्या बोल के गया सर ने याद भी नहीं है। जो भी है अभी इसे मस्त पीते हैं, फिर थोड़ा सा पैकिंग और रह गया बस कर लेंगे। पैकिंग शेकिंग मस्त कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर और एक सर था, उनसे तो कल मिला ही नहीं था। तो ये सर है, सर अपना नाम बता दो। प्रमोद मालसकर। प्रमोद मालसकर सर का नाम है, वड़गांव माहौल में रहते हैं हम। हाँ, लोनावाला के नजदीक। बिल्कुल। और सर ये मंदिर को देख रेख करते हैं और मंदिर को इतना ज़्यादा क्लीन करके रखता है ना, जैसे एशिया का क्लीनेस्ट प्लेस है ऐसा। सेम देखो इधर पन्नी उन्नी कुछ नहीं दिखेगा आप लोगों को, इतना सर क्लीन करके रखते हैं। सर पूरा साफ सुथरे की तरफ पूरा ध्यान देते हो ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता हूँ, एक घंटा रोज इधर भगवान की मैं सेवा करता हूँ और मुझे उससे खुशी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे सर क्या करते हो? मैं कुछ बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हूँ। अच्छा। जो मकान मकान बनाते हैं हाँ। उसका मटेरियल डालने का काम करता हूँ। अच्छा, अच्छा। दो बच्चे है हाँ। बीवी है और मैं इधर ही अच्छे काम करने के लिए, मेरे को बहुत मजा आती है ऐसे लोगों को सेवा करने की। बिल्कुल। और कोई भी साइकिलिस्ट हो कोई भी हो इस जगह पे आके रुक सकते हो। ये कौन सा जगह सर एड्रेस का? ये वड़गांव मावल। वड़गांव मावल। और मंदिर ये कौन सा मंदिर है? ये माली बाबा मंदिर। माली बाबा मंदिर, यहाँ पर आके आप लोग रुक सकते हो कोई भी सभी साइकिलिस्ट हो। ये सर आप लोगों को होस्ट करेगा अच्छे से, यहाँ पर रहने वहने के सब कुछ है और प्लस बाथरूम वगैरह है नहाने वाने के लिए, अच्छा सुविधा है, आप लोग यहाँ पर आके रुक सकते हो आराम से। और सर ने मेरे को खाना वाने के भी पैक करा के दे दिया देख सकते हो। यहाँ पर क्या क्या दिया सर? चपाती वगैरह ना? चपाती दिया, प्याज दिया, काकड़ी दिया, गाजर दिया कि कम से कम दोपहर को मेरे नाम से तो आप थोड़ा दो घास खा के सुकून से आराम कर सकते हैं, ट्रेवलिंग भी कर सकते हैं कि चलो मेरे पास आज दोपहर का खाना है। बिल्कुल बिल्कुल, घर का खाना हमेशा तो मिलता नहीं हम लोगों को, घर का खाना हमेशा बाहर से ही खाना पड़ता है। घर का खाना का एक अलग ही स्वाद होता है, जो लोग बाहर रह रहे हैं उन्हीं को पता है घर का खाने का कीमत क्या, मजे कीमत क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी जो भी है अभी यहाँ से निकलता हूँ मैं, साइकिल थोड़ा ठीक कराऊंगा, वो सर ने बोल दिया साइकिल वहीकल के लिए। तो जय श्री राम का नाम लेके आज का भी राइड को कर दिया हूँ स्टार्ट। और सोचा था कि लोनावाला में घूमूंगा, लेकिन लोनावाला में घूमने के लिए कुछ नहीं है वहाँ पर, अभी सिर्फ मानसून के टाइम पे वहाँ पर होता है, अभी रिसर्च कर रहा था तो पता चला। बाकी कोई नहीं, लोनावाला आप लोगों को दिखा दूंगा। फिलहाल तो कमशेद की तरफ जा रहा हूँ, उधर मेरे को जाकर साइकिल ठीक कराना है। और ये देख सकते हो ये है NH 48 और साथ ही में वो मंदिर था, आप लोग आना तो इधर ही रुक सकते हो आराम से। कामशेद में आके पहुंच चुका हूँ और यहाँ पर अपना साइकिल बनेगा, साइकिल को मैंने अनलोड कर दिया और क्या चीज मैं चेंज करूंगा बाद में दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ से ब्रेकफास्ट कर लेते, साथ ही में एक दुकान है इधर, ब्रेकफास्ट करने आया और ब्रेकफास्ट में मिला था मिसाल पाव, कुछ 40 रुपीज का प्लेट है, तो मस्त अभी इसे खाते हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह मस्त करके एक मोबाइल का दुकान पे आया था, यहाँ पर मेरे को एक केबल लेना था तो यहाँ पर ये सर मिला देख। सर अपना नाम बता दो। क्या क्या? शंभू शिंदे। शंभू शिंदे सर का नाम है, सर ने एक कॉल रिंग भी दे दिया और केबल जो है ना अजय दरेकर सर ने ये बोला था यहाँ पर आने के लिए, तो यहाँ पर आ गया था। सर कुछ बोलना चाहता है, बोलो क्या बोल रहे? इतना अनुपम सर पूरे स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं साइकिल के ऊपर, एक यूथ होके सब सैक्रिफाइस करके अपना काम धंधा सब छोड़ के इतना एक उनके हॉबी के लिए, तो उनको एक गुड लक। थैंक यू। और सर के नाम से सर का दुकान है शंभू मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स करके सर का ये दुकान है। आपके आगे के प्रवास के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप ऐसे ही नया नया एक्टिविटीज करो, एडवेंचर करो, कभी जरूरत लगे तो हमें कॉल कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको याद करेंगे आप। बिल्कुल, थैंक यू।
केबल तो मस्त ले लिया, आप देखते हैं साइकिल का काम कहाँ तक हुआ। साइकिल का काम आप जाके स्टार्ट होने वाला है, टाइम एक बार देख लो, 12:26, 2-3 घंटा समय लगेगा इसमें। आज का दिन मान लो यही पे चला जाएगा मेरा। और जो चेंज होने वाला है पार्ट वो है ये हब्स देख सकते हो, ये है सील पैक बेडिंग वाला जो देख सकते हो, घूमने वाला है सील पैक वाला है। और इसमें क्या है, बॉल डलता है, तो बॉल क्या होता है कुछ दिन बाद बाद चेंज कराना पड़ता है। और ये जो सील पैक बेयरिंग वाला है एकदम स्मूथ साइकिल भी चलेगा और प्लस लॉन्ग टाइम तक। अगर आप लोग लॉन्ग टूर पे निकलो ना तो यही लगा के निकलो जरूर, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो कुछ दिन बाद बाद जो है चक्का का अलाइनमेंट ऐसे हिलना चालू कर देता है। जब आप लोग ये लगा लोगे तो चक्का जो अलाइनमेंट ऐसे हिलता है चक्का, वो वाला प्रॉब्लम जो है ना एकदम सॉल्व हो जाएगा परमानेंट के लिए। बाकी जो भी है अभी इंस्टॉल वगैरह हो रहा है, टाइम तो लगेगा। और ये हब्स गिफ्ट किया था जो पुणे में साइकिल दुकान पे जहाँ पर पूरा साइकिल सर्विस करा दिया, वहीं पे जो है ना उसी सर ने ये हब्स गिफ्ट किया था। आप लोगों को दिखाया नहीं था उस टाइम पे, आप लोगों को बोला था बाद में दिखाऊंगा, तो यही था वो, बहुत दिन से मैं ढूंढ रहा था मिल नहीं रहा था, तो सर ने एकदम अपनी तरफ से ही दे दिया, ये कह रहे ये लगा लो साइकिल में तो तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और जो रिपेयरिंग चार्ज वगैरह होने वाला है यहाँ पर वो दे रहे अजय देरेकर सर ने, कल रहने वहने का सब कुछ इंतजाम करा दिया। बाकी अभी रिपेयर को कराते जल्दी जल्दी, टाइम तो लगेगा अच्छा खासा। तो साइकिल अपना मस्त बन चुका है, ये देख सकते हो पीछे वाला टायर लग गया, आगे वाला लगा रहा है। और टाइम जो है ना अभी 2:09, देख रहे हो कितना ज़्यादा टाइम लग गया। बाकी कोई एकदम साइकिल अभी स्मूथ चलने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है चलाने को, देखता हूँ चला के कैसा लगता है। साइकिल वगैरह मस्त बन चुका है और पैकिंग शेकिंग भी कंप्लीट, साइकिल चला के देख भी लिया, बहुत मस्त चल रहा है, बहुत स्मूथ चल रहा है। थैंक यू अंकल, आपको आपने बना दिया बहुत अच्छे से, इधर देखो एक बार कैमरे की तरफ। तो अभी मस्त यहाँ से निकलते हैं। साइकिल इतना स्मूथ चल रहा है ना, आप लोगों को क्या ही बताओ, मज़ा आ रहा है साइकिल चलाने में। अभी सबसे पहले मेरे को करना है लंच, और लंच टाइम होके पार हो रहा है, 3 बजने वाला है। लंच तो है साथ में परा हुआ है, एक अच्छा सा जगह देख के बैठ के मस्त लंच करते हैं। और एक बार नज़ारा देखो कितना सुंदर सुंदर है। खाना खाने के लिए कोई बस स्टॉप सा ढूंढ रहा था जहाँ पर रास्ते में बना हुआ रहता है, लेकिन मिला नहीं, तो ऐसे ही यहीं पे रुक गया। एक पेड़ है थोड़ा छाव है, तो खाने पे मस्त देख सकते हो, रोटी है, ऑमलेट है, गाजर, ये प्याज और ये किस चीज़ का पकौड़ा है पता नहीं, लेकिन खाने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो इस खाने को भी मस्त खाते हैं। खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट लेके मस्त निकल पा रहा हूँ। और लोनावाला का जो दूरी है 15 किलोमीटर है, और लोनावाला एक टूरिस्ट प्लेस है लेकिन वो मानसून के टाइम पे रहता है। बाकी अभी तो कुछ नहीं है, फिर भी सुंदर सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा जाते वक्त, तो दिखा दूंगा आप लोगों को। आके पहुंचा हूँ लोनावाला का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस पे जो कि राजमाची व्यू पॉइंट है, देख सकते हो कितना सुंदर ये व्यू पॉइंट है। फिलहाल तो अभी फॉग है, नहीं तो ये सनसेट सनराइज के लिए है, बहुत सुंदर नज़ारा है, देख सकते हो कितना खाई दिख रहा है। उधर से जा भी सकते हैं पास में, तो पास में जाते हैं देखते हैं कैसा दिखता है भाई, पूरा खाई है देख सकते हो, जो कि फिल्मों में देखा करता था, सेम ऐसा ही फील आ रहा है। देखो एक बार, ओ तरीके नीचे रोड भी है भाई सब, देखो उधर टनल है, एक वो टनल है एक, और इधर देखो व्यू देखो एक बारी, फॉग हो रखा है, अगर फॉग ना रहता तो कितना सुंदर व्यू दिखता है यहाँ पर। टूरिस्ट पॉइंट तो आप लोगों को दिखा दिया, अभी जा रहा हूँ मैं, मेरे को जहाँ पर रहने हैं वहाँ पर कुछ 14 किलोमीटर है यहाँ से। और लोनावाला में वैसे घूमने लायक और भी बहुत कुछ है, केव्स वगैरह है, लेक्स वगैरह है, वाटरफॉल है, लेकिन सब मानसून के टाइम पे देखने के लिए अच्छा रहता है। अब तो फिलहाल कुछ नहीं है, सिर्फ देख सकता था केव्स, वो बहुत दूरी में था इसके वजह से गया नहीं। बाकी अभी 14 किलोमीटर कुछ है और पूरा ढलान होने वाला है, तो मज़ा आएगा, तो मैं ढलान को एंजॉय करता हूँ, आप लोग तब तक थोड़ा बहुत सिनेमेटिक शॉट को एंजॉय करो। फाइनली आके उस जगह पे पहुंच चुका हूँ जहाँ पर मेरे को आज रहना है। ये भैया मिला था मेरे को लोनावाला, जो व्यू पॉइंट था वही पे मिला था ये भैया। अभी अपना नाम बता दो। पवन कुमार मिश्रा। पवन कुमार मिश्रा, कहाँ से हो? बिहार से? बिहार से हो? गोपालगंज जी। अच्छा अच्छा, और एक भैया है, देख सकते भैया अपना नाम भी बता दो। आशिक अंसारी। क्या? आशिक अंसारी। आशिक अंसारी भैया का नाम है। और भैया अभी यहाँ पर खाना बना रहे हैं मस्त, देख सकते हो क्या बना रहे हो भैया? चिकन बना रहे हैं। चिकन बना रहे भैया मस्त, आज देख सकते हो। और यही पे आज रुकूंगा और कल का दिन भी इधर ही रुकूंगा, राइट को जो नेक्स्ट स्टॉप लूंगा इधर, थोड़ा अच्छा जगह मिल गया, तो अभी मस्त नहा धो के फ्रेश होते उसके बाद मिलते हैं लोग। नहा धो के मस्त अपना फ्रेश होके खाना पीना खा के एकदम रेडी हो चुका हूँ सोने के लिए, और इस ब्लॉग को एंड भी करने के लिए। और किसी ने जो है 500 रुपीज दे के हेल्प किया, सुबीर कुमार करके कुछ नाम है, उनको दिल से शुक्रिया। यहाँ पर स्क्रीन शॉट वगैरह आ रहा होगा साइड में। बाकी इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं, और कल जो है ना यही पे रुकने का स्टॉप लेने का प्लान है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।